बंगाल में आज सियासत का सुपर संडे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली सियासी रैली करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी भी आज मैदान में होंगी सिलीगुड़ी में। पहली बार प्रधानमंत्री आज हुंकार भरेंगे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री की रैली है और इस मेगा रैली में बंगाल बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर आ सकते हैं, उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है। और रैली के लिए बाकायदा 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच प्रधानमंत्री के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे तो स्थानीय नेताओं को दूसरे छोटे मंच पर जगह मिलेगी। साथ ही साथ मीडिया के लिए भी अलग से एक मंच बनाया गया है। पीएम कोलकाता में चुनावी शंखनाद करेंगे तो ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी। तो दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली होगी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। तो आज प्रधानमंत्री की ये रैली होने वाली है। मिशन बंगाल पर सीधा प्रधानमंत्री और आज हो सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती भी वहां पर मौजूद है। इससे पहले हमने देखा था 22 फरवरी 2021 को जब हुगली में एक रैली को संबोधित किया था, 7 फरवरी 2021 को भी हल्दिया में एक रैली को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम है। 1500 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। 4 लेयर बैरिकेटिंग है, यानी कि वो मंच जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे उसके ठीक आगे 4 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी का मंच, बगल में नेताओं का एक मंच होगा और मीडिया के लिए भी अलग से एक स्टेज वहां पर तैयार की गई है। 3 मंच तैयार किए गए हैं। मुख्य मंच जो होगा सेंटर वाला, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही कुछ सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे। इसके अलावा एक अलग से मंच है जहां पर दूसरे नेता मौजूद रहेंगे और मीडिया के लिए भी बाकायदा एक मंच वहां पर तैयार किया गया है। और उम्मीद ये की जा रही है, बीजेपी कह रही है कि 7 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे इस ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। तो 1:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता लैंड करेंगे, उसके बाद 2 बजे इस रैली को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस ग्राउंड का इतिहास 1757 की बात है जब अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। पलासी के युद्ध के बाद ये ग्राउंड बनवाया गया था, ब्रिगेड परेड ग्राउंड। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा मंच, एक बड़ा ब्रिगेड परेड ग्राउंड। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कटआउट्स वहां पर लग चुके हैं, मंच तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीरें, झंडे, बैनर लेकर लोग वहां पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। 2 बजे का वक्त है जब रैली होगी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए यहां पे जनसभा संबोधित करेंगे। ये उनका पहला इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद सबसे पहला ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली या फिर पब्लिक मीटिंग जिसको कहा जाता है वो होगा। यहां पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं विभिन्न विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से। हम बात करेंगे इन लोगों से। बाबा आप लोग कहाँ से आए हो? हम उत्तर मुर्शिदाबाद जिला से जंगीपुर 1 नंबर मंडल से आ रहा है। आप लोग क्या ये बीजेपी के कार्य मतलब प्रोग्राम के लिए आए हो या फिर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आप सब आए हो? नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रोग्राम से आ रहा है, अब फिर हम लोग नरेंद्र मोदी आने के बाद से मोदी का भाषण सुनने आ रहा है। मोदी जी के भाषण सुनने आए हो। यहाँ पे ऐसा सुनने में दे रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी आएंगे। तो मिथुन चक्रवर्ती उखाड़ने के लिए आएंगे? कौन कौन? मोदी जी के मिथुन? मिथुन जी आएगी ममता का उलट करने के लिए। ये बंगाल में ममता जी उल्टा हो गया। सीधा चलेंगे अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, कुछ तस्वीरें वहां से आ रही हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ कटआउट्स हैं, हाथों में बैनर हैं, पोस्टर्स लेकर लोग वहां पर जुटना पहुंचना शुरू हो गए हैं। अनुपम, जी बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक रैली है। अगर हम ब्रिगेड रैली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी भी राजनीतिक दल के करियर ग्राफ में ब्रिगेड रैली का अलग महत्व होता है, बहुत अहम होती है और बहुत बार इससे मानक तय होते हैं। दरअसल अगर इसके इतिहास में भी हमको जाना होगा थोड़ा सा, अगर हम कहें कि ये ब्रिगेड परेड रैली किस लिए इतने अहम है तो उसकी वजह है इसका वॉल्यूम। इतना बड़ा मैदान ये जो है यहाँ पर, इस मैदान में लोगों को भरना बड़ा मुश्किल काम होता है।
और लेफ्ट की रैलीज की विशेषता रही है एक समय की, इस मैदान को पूरा भरने की वो कोशिश करते थे। ममता बनर्जी की 2019 में जो रैली हुई थी, जब सब लोकसभा चुनाव से पहले सारे दलों को लेकर उन्होंने कोशिश की थी कि इस मैदान को भरा जाए, तो उसे कहा जाता है कि भीड़ के लिहाज से सबसे बड़ी रैली वो थी। लेकिन आज की जो रैली है, बीजेपी का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल होंगे। और अभी मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कि अभी से लोग आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और जो माहौल है वो बनना शुरू हो चुका है, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे। हाँ। लेकिन लोगों का जो तांता है, अनुपम, मैं चाहूंगी जरा अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि आप हमें लगातार इन्फॉर्मेशन वहां से देते रहें, लेकिन साथ ही साथ पूरे ग्राउंड की तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि देखना ये चाहेंगे, यहां से हम ये भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड के किस किस इलाके में संख्या के हिसाब से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं वहां पर, साथ ही साथ अहमियत इस ग्राउंड की भी। अनुपम, जी बिल्कुल, मैं आप दिखाऊंगा, कैमरामैन तापस भाईरी को बोलूंगा कि थोड़ी ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखाएं। यहाँ पर जो सामने की श्रेणी है, सामने का जो क्रम है वो पूरी तरह से भर चुका है, हालांकि पूरा ग्राउंड अभी भी नहीं भरा है, अभी भी काफी वक्त काफी समय है। और ये जो सामने की ओर है, लोग बीजेपी का झंडा हाथ में, कुछ धार्मिक झंडे भी यहाँ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट हाथ में लेकर लोग आए हुए हैं, ज्यादातर लोगों ने कोशिश की है भगवा कपड़े पहनने की, तो एक तरह से भगवा रंग में रंगने की एक कोशिश है बीजेपी की पूरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड को और इसके आसपास के इलाकों को। ब्रिगेड परेड ग्राउंड के आसपास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट तो लगे हुए हैं, इसके अलावा बीजेपी के झंडे, बीजेपी के दूसरे नेताओं के कटआउट और पोस्टर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो लोग यहां पर आए हैं, ज्यादातर लोगों के हाथों में बीजेपी के झंडे, प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट हैं, और ये जो नजारा है फिलहाल, ये जो भीड़ है ये और ज्यादा होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अभी काफी समय है, लोगों का आना अभी भी जारी है, नॉर्थ बंगाल से भी काफी लोग आ रहे हैं, ट्रेनों से भर के ट्रेनों में लोगों ने आना शुरू किया था, कल से वो सुबह पहुंचे हैं, तो हावड़ा स्टेशन से वो यहाँ पर धीरे धीरे पैदल आ रहे हैं। तो ये जो क्रम है, ये प्रक्रिया है ब्रिगेड परेड रैली की, ये हर रैली में किसी भी पार्टी की हो उसमें सुबह से ही हमें देखने को मिलता है कि सुबह चाय पी के लोग निकल पड़ते हैं ब्रिगेड परेड रैली में शामिल होने के लिए। अनुपम, नजर आप बना रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास।